हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो होता है लार्ज नंबर पढ़ेंगे। लार्ज नंबर कितना भी बड़ा होगा उसको जो होता है कैसे मैनेज करेंगे उसको सीखेंगे। जैसे 5, 6 या 7 डिजिट नंबर होता है उसमें जो लार्जेस्ट होगा वो उतने नंबर ऑफ नाइन्स लिखे जाएंगे। उसके बाद जो होता है जो स्मॉलेस्ट होगा उसमें एक कम नंबर का जीरो लिखेंगे और वन लगाएंगे। वन के बाद जो होता है उतने जीरोस लगा देंगे। उसके बाद एक और मेथड है राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ क्या होता है, उसमें जो होता है 5 से कम यदि नेक्स्ट नंबर है तो आपको जो होता है केवल जीरो लगाना है, उसमें चेंज नहीं करना। यदि 5 या उससे अधिक है तो उसमें एक नंबर जो होता है उसमें बढ़ा देंगे। जैसे कि 3794 में यदि हम नियरेस्ट टू 10 देखें तो 4 जो होता है स्मॉल है तो वहाँ पर जो होता है केवल जीरो करेंगे, 3790 हो जाएगा। दूसरा यदि हम देखें जो होता है 3794 का, अगर हम देखें 1000 का तो 1000 पे जो होता है हमारा 7 है और 7 जो होता है 5 से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो होता है एक नंबर बढ़ा दिया, यानी कि 4000 हो जाएगा। एक फेस वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, जब नंबर इटसेल्फ होता है उसको फेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू जो होता है जहाँ होता है उसका जो होता है पोजिशन दिखाता है। जैसे कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट देते हैं 1,23,456, तो 1 लाख है। उसके बाद 20,000 हो गया, 10,000 पर है तो। उसके बाद 3,000 हो गया, 400 हो गया, 50 हो गया टेंस में, और फिर वंस में 6 हो। थैंक यू।